क्या निंदा प्रस्ताव लाने से ये जो फैक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं बदल जाएंगे? ये जो क्या सामाजिक विज्ञान की के पद पर नियुक्त हुआ व्यक्ति विज्ञान वर्ग का सामाजिक विज्ञान का हो जाएगा? मेरा प्रमोशन का जो मैटर है वो अलग रख दो आप। मैं तो उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो तो मैं लड़ूंगा ही, प्रमोशन हो ना हो, प्रमोशन हो या ना हो वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है। इसके अलावा मैं आपके संज्ञान में यहाँ पर ये भी लाना चाहता हूँ कि जो मनोज कुमार सैनी है, इनकी जो नियुक्ति हुई थी सहायक अध्यापक इंग्लिश के पद पर हुई थी और इनकी पदोन्नति हिंदी प्रवक्ता के पद पर की गई, नियमों को ताक पर रखकर इनकी जो पदोन्नति हुई है, क्योंकि नियम है, शासनादेश है कि हिंदी प्रवक्ता पद के लिए बीए में संस्कृत होना अनिवार्य है और इनके पास बीए में संस्कृत नहीं है। अभी मैं आपको एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे इन शिकायतों पर जांच विभाग के द्वारा बैठा दी गई है प्रिंसिपल मनोज कुमार सैनी है, और एक्ट है, एक्ट वो कहते हैं कि एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है, मेरी जेब में पड़े हुए हैं, मैं एक्ट को मानता नहीं, दूसरों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने यहाँ के जो चुनाव में अपने विधानसभा के चुनाव में हमारे जो माननीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, उनके खिलाफ भी पूरा काम किया, मेरे पास एविडेंस है, मैंने अपने पार्टी के जो उच्च स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मेरे पास सबूत है उनके, मैंने भेजे थे उस समय। ये KLDAV इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और इससे पहले मैं राजकीय विद्यालय में समान पद पर ही सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था, और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा जो मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है उसके विरोध में मैंने एक धरना प्रदर्शन का उन्हें नोटिस दिया था, और ये मैंने 9 तारीख में इनको रिसीव कराया था, और जो मेरा पहला प्रोग्राम था 7 से 19 तारीख तक का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था विद्यालय के अंदर, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जो कार्यक्रम था वो घोषित किया जा चुका था, तो मैंने उसे संशोधित करते हुए रविवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरने के रूप में इस 3 दिवसीय धरने को परिवर्तित कर दिया गया मेरे द्वारा। लेकिन जैसे ही मैंने हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य को ये नोटिस रिसीव कराया, उनके द्वारा मुझे एक धमकी भरा पत्र ये दिया कि आप किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि मैंने अनुमति नहीं मांगी थी, क्योंकि अनुमति का तो धरना प्रदर्शन करने के लिए मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उन मेरे द्वारा जो उनके कारनामे हैं, काले कारनामे, उनकी शिकायत भी पूर्व में जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनसे की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से PTA का जो नियमानुसार गठन नहीं हुआ, मिड डे मील जैसी जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें बहुत घपला है, उसके अलावा उन्होंने जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें वो केंद्र व्यवस्थापक के रूप में उन्होंने मोटी रकम प्राप्त की और उनको इनकम टैक्स में नहीं दिखाया है, और इनके संबंध में मैंने सूचना के अधिकार में भी बहुत सारी ये सूचनाएँ मांगी हैं, और वो केवल 2 लाइन लिखते हैं कि कोई लोकहित और जनहित नहीं है इसलिए सूचना दे नहीं है। और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर विद्यालय में आया तो जो पूर्व प्रबंधक थे उनके द्वारा एक वरिष्ठता सूची जारी की गई, उस वरिष्ठता सूची पर मेरे द्वारा आपत्ति की गई, और मेरी आपत्ति का निराकरण न करते हुए उन्होंने मेरा विनियमितीकरण निरस्त कर दिया, किसके कहने से, इन्हीं प्रधानाचार्य महोदय के कहने से। और 2017 से ये जो लड़ाई है ये चल रही है, और जो मेरे पास एविडेंस है मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे एविडेंस हैं, पूर्व की जो मेरी सेवा है वो वेतन संरक्षण के लिए जोड़ी जा चुकी है नियमानुसार, उसके शासनादेश हैं पर्टिकुलर, और चूंकि जो हमारा विद्यालय शिक्षा अधिनियम है 2006 और उसी के आधार पर विनियम बनाया गया, उस विनियम की सेवा शर्तों के आधार पर हमारी सेवाएँ संचालित होती हैं, और उसमें कोई भी पूर्व की सेवा जोड़ते हुए वरिष्ठता के निर्धारण का उल्लेख नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर मैंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि यदि ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु कोई नियम नहीं है तो पूर्व की सेवा को ज्येष्ठता निर्धारण हेतु लिया जाएगा, वही मेरी मांग थी। उसको मेरी मांग को जब यहाँ पर प्रबंध समिति भंग हो गई
उसके बाद में जो राजकीय के जो नियम को जानने वाले ऐसे प्रबंधक संचालक नियुक्त हुए और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए मेरी पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए मुझे जो सही स्थान था जहाँ पर मुझे होना चाहिए था वरिष्ठता में, वहाँ पर मुझे उन्होंने वरिष्ठता में कर दिया। उसके बाद जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने जो शिक्षक हैं वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तव में मैं ये कहूँगा फर्जी तरीके से वहाँ पर नियुक्त हैं, और एविडेंस है मेरे पास में, उनकी भी मैंने शिकायत की हुई है, और उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव भेज दिए उन्होंने, और पदोन्नति के प्रस्ताव के बाद में, जबकि मेरे द्वारा पूर्व में ही इन पदोन्नतियों पर आपत्ति की गई थी मुख्य शिक्षा अधिकारी को, और मेरी सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने उन पर अनुमोदन भी दे दिया। बड़े आश्चर्य का विषय है कि शिक्षा विभाग में हमारे कोई सुनवाई नहीं है, और इसी जब ये सुनवाई नहीं होती तभी कोई व्यक्ति सड़क पर उतरता है, आंदोलन करता है, धरने प्रदर्शन करता है। मुझे धरने प्रदर्शन का कोई शौक नहीं है, लेकिन चूंकि इन प्रधानाचार्य महोदय ने और ऐसे फर्जी जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझे बाध्य किया है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, राकेश कुमार वर्मा जिनकी नियुक्ति सत्यपाल सिंह की जगह हुई थी, और वास्तव में सत्यपाल सिंह सामाजिक विज्ञान के अध्यापक थे, और राकेश कुमार वर्मा की जो शैक्षिक अर्हता है वो विज्ञान के पद पर नियुक्त होने के लिए है, और सामाजिक विज्ञान के पद पर विज्ञान के अध्यापक की नियुक्ति कर दी। एविडेंस है मेरे पास ये पूरे, ये पूर्व जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जारी की गई एक स्टाफ स्टेटमेंट है 2005-06 की, इसमें भी इस बात का बिल्कुल साफ उल्लेख किया गया है कि इनकी जो सत्यपाल सिंह हैं इनके कौन कौन से विषय हैं बीए में, और जो राकेश वर्मा हैं उनके कौन कौन से विषय हैं, उनके विषय सामाजिक विज्ञान के हैं, राकेश वर्मा के विषय जीव विज्ञान के हैं। तो इस प्रकार का जो घोटाला इन्होंने किया हुआ है और इनकी पदोन्नति का अनुमोदन दे दिया, बड़े आश्चर्य की बात तो ये है। इसके अलावा तीन और जो ऐसे फर्जी टीचर थे उनकी भी पदोन्नति का अनुमोदन मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिए जाने का पूरा तैयारी कर ली गई थी, और मैं उसके विरोध में माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया, और माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी बात को स्वीकार करते हुए यह कहा कि जब तक अंतिम रूप से वरिष्ठता सूची सेटल्ड नहीं हो जाती तब तक कोई भी प्रमोशन और अप्रूवल नहीं होगा। और ये जो तीन जो लोग हैं जिनकी पदोन्नति पर स्टे दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, उनके इनके काउंटर वहाँ पे जा चुके हैं, हम अपनी लड़ाई वहाँ भी लड़ रहे हैं। तो जो मेरा संघर्ष है वो सड़क से लगाकर माननीय न्यायालय तक जारी रहेगा जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता। इसके अलावा मैं आपके संज्ञान में यहाँ पर ये भी लाना चाहता हूँ कि ये जो मनोज कुमार सैनी है, इनकी जो नियुक्ति हुई थी सहायक अध्यापक इंग्लिश के पद पर हुई थी, और इनकी पदोन्नति हिंदी प्रवक्ता के पद पर की गई। नियमों को ताक पर रखकर इनकी जो पदोन्नति हुई है, क्योंकि नियम है, शासनादेश है कि हिंदी प्रवक्ता पद के लिए बीए में संस्कृत होना अनिवार्य है, और इनके पास बीए में संस्कृत नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य रत्न है, एक संस्कृत होना उसके पास अनिवार्य है, हिंदी उसका प्रासनातक में यानी कि आपका एमए होना चाहिए, उसका पीजी होना चाहिए हिंदी में, साथ ही साथ बीए में उसके पास में संस्कृत विषय होना चाहिए। एक तीन विषय होते हैं उसमें से एक संस्कृत होना अनिवार्य है, और उसमें ये भी है शासन जो पूर्व के जो हमारे शिक्षा संहिता है 1921 उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो संस्कृत का अंश अगर पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक है तो उसे छूट दी जाएगी। लेकिन कैसे अध्यापकों को जिनकी नियुक्ति 1975 की अर्हता से पूर्व की अर्हता पर की गई हो, और इनकी नियुक्ति जो हो 1990 में हुई थी, तो इनके ऊपर वो लागू नहीं होता। लेकिन विभागीय अधिकारियों की साठ गांठ करके उस नियम का हवाला देते हुए इन्होंने प्रवक्ता पद पर अपना अनुमोदन प्राप्त कर लिया, जबकि सेम केस में अपना किसान इंटर कॉलेज लक्सर है वहां पर बिल्कुल सेम केस था, और एक महिला का इसी क्योंकि बीए में उनके पास में संस्कृत नहीं थी और उनकी पदोन्नति का अनुमोदन निरस्त कर दिया इसी विभाग ने, शिक्षा विभाग ने। इसके अलावा वहां हमारे विद्यालय में श्रीमती अर्चना गर्ग, इनके साथ में सहायक अध्यापक थी, इनसे वरिष्ठ थी, इनका विनियमितीकरण 1996 हुआ था क्योंकि ये तदर्थ नियुक्त थे और वो सीधी भर्ती की थी, आयोग से आई हुई थी, उनकी भर्ती उनकी जो ज्वाइन वो थी नियुक्ति 1992 की थी,
तो सीधी भर्ती वाले को जो सीनियरिटी में तदर्थ की सेवाएं नहीं जोड़ी जाती। जिस दिन उनका विनियमितीकरण का आदेश होगा उस दिन से उसकी नियमित सेवाएं मौलिक सेवाएं मानी जाएंगी, क्योंकि वरिष्ठता जो मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही निर्धारित की जाती है। तो इन्होंने विभाग को भ्रमित किया और मतलब मैनेजमेंट ने विभाग को इतनी चिट्ठी लिखी कि इनकी पदोन्नति गलत है, लेकिन इन्होंने विभाग को भी मैनेजमेंट को भी विभाग से थ्रेडिंग दिलाई और जबरदस्ती उस पद पर काबिज हैं। उसके बाद में प्रधानाचार्य के पद पर भी काबिज हैं और वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरा। आपका इनकम टैक्स का जो वहां पर जो इनकी अर्निंग होती है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इनको उसके एवज में वो मिलता है इनका, उसको ये इनकम टैक्स में शो नहीं करते। और बच्चों के जो गरीब बच्चे निर्धन बच्चे हैं उनसे साइकिल स्टैंड के नाम पर पीटीए के नाम पर 600 रुपए दान लेते हैं, जबकि कोविड काल में तो ऐसा हुआ कि सभी प्रकार के शुल्क माफ कर दिए गए थे, लेकिन ये अपना केएलडीएवी विद्यालय ऐसा है पूरे उत्तराखंड में जिसमें कि उन गरीब बच्चों का शोषण किया गया, उनसे 600 और 250 रुपए लिए गए, जबकि वो तो साइकिल भी लेकर नहीं आ रहे थे, स्कूल तो बंद थे, तो किस बात के 250 रुपए लिए गए भाई साइकिल स्टैंड के नाम पर, पूछना चाहता हूं मैं। मुझे इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैं सही बात कह रहा हूं ना। मेरी जो नियुक्ति है 2005 की है, वो मिसगाइड करते हैं, जहां भी जाते हैं मिसगाइड करते हैं, मिसगाइड करने का काम उनका। और मेरे पास में मैं आपको दिखा सकता हूं, ये मेरी पुरानी सर्विस बुक है वही यहां पर चल रही है, ये मेरी पुरानी सर्विस बुक जो वहां से राजकीय से मैं आया था वही मेरी यहां पर भी चल रही है। और मैं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में विधिवत रूप से कार्यमुक्त होकर के मैंने यहां पर कार्यभार ग्रहण किया था और पूर्व की सेवाएं जोड़ते हुए वेतन संरक्षण का लाभ भी विभाग ने मुझे दिया। नहीं मेरे मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूं, मैं तो खुद पीड़ित हूं। वो तो अथॉरिटी है, वो तो सिग्नेचर अथॉरिटी है और मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो मांग कर रहा हूं कि भाई मुझे प्रमोशन दो सही। आप वो तो मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी मेरी शिकायत भी कर दी उन्होंने, बहुत सारी शिकायतें की हुई हैं, वो मेरे पास भी हैं, मैंने अपना पक्ष दिया है वहां पर उन्हें। और मैंने SSP महोदय को भी चिट्ठी लिखी है कि मेरे पर ये लोग जो हमला भी करवा सकते हैं, किसी प्रकार से जान माल की हानि मुझे पहुंचा सकते हैं। और कल जो धरना है उसके संबंध में भी मैंने जो है जो कोतवाल हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ये पत्र लिखा है। और चूंकि ये एक सातिर और मतलब इतना सातिर व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जो हर चीज़ को तोड़ मोड़ कर पेश करता है दूसरे के सामने और अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करता है। अब आपने कहा कि निंदा प्रस्ताव आया है मेरे विरुद्ध, मुझे हंसी भी आती है और दया भी आती है इन लोगों पर। क्या निंदा प्रस्ताव लाने से ये जो फैक्ट यहाँ पर रखे हुए ये बदल जाएंगे? ये जो क्या सामाजिक विज्ञान के पद पर नियुक्त हुआ व्यक्ति विज्ञान वर्ग का सामाजिक विज्ञान का हो जाएगा? बताइए आप मुझे, बिना रिक्त पद के सुनील धीमान की नियुक्ति कर दी गई जबकि यशपाल सिंह वहां पर कार्यरत थे। यशपाल सिंह का 2010 में विनियमितीकरण हुआ LT ग्रेड में और उन्हें जो 1995 में सुनील धीमान को नियुक्ति दिखा दी वहां। ऐसे ऐसे प्रकरण है जो मैंने विभाग के संज्ञान में लाया और उनके विनियमितीकरण निरस्त करने की मैंने मांग भी की है। जी इसलिए तो मुझे सड़क पाना पड़ रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं मेरा अधिकार है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई जो नियमों के अनुसार है मुझे मिलना चाहिए। हाँ जी 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 नहीं नहीं देखो मेरा 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 प्रमोशन का जो मैटर है वो अलग रख दो आप। मैं तो उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो तो मैं लड़ूंगा ही, प्रमोशन हो ना हो, प्रमोशन हो या ना हो वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है। बिल्कुल मेरे पास एविडेंस है, ये देख लीजिए आप। नहीं, आप क्या मान रहे हो?
देखो इस बात पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्हें किसका संरक्षण है और किसका संरक्षण नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि वो एक बहुत ही सातिर व्यक्ति है। और दूसरा ये कि उनका इतिहास रहा है हमारे जो विद्यालय में, चाहे वो हमारे फोर्थ क्लास हो, उनके साथ मारपीट की उन्होंने, मेरी साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया था। मैंने एक जो हमारा टोल फ्री नंबर है पुलिस का उस पर कंप्लेंट भी लिखाई, आज भी दर्ज है वो। साथ ही साथ मैंने उस समय के जो तत्कालिक प्रबंध संचालक थे उनको भी उसकी सूचना दी थी, प्रबंध संचालक ने उनसे स्पष्टीकरण लिया था, उन्होंने आज तक भी अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसी प्रकार से जितने भी प्रबंध संचालक आए, क्योंकि वो उनकी बात मानते नहीं, क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, गलत बात मानने के ही नहीं, तो गलत बात नहीं मानेंगे तो क्या करेगा वो, हो सकता है वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक पहुंच उसकी ज्यादा है तो उन्हें हटवा देता है। कल मेरे विरुद्ध जब निंदा प्रस्ताव आया तो उस भरी मीटिंग में उसने कही ये बात कि लात मार के मैंने मलिक को बाहर भगा दिया। अच्छा, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ है, ये भी आपके एमपीए? नहीं, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा, देखो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ हमारे पूरे उत्तराखंड के शिक्षकों का एक संगठन है, उसकी एक रचना है। रचना क्या है? शाखा। शाखा एक छोटी इकाई है, शाखा के बाद फिर जनपद है, जनपद के बाद फिर प्रदेश है। तो शाखा वाले भी विरोध कर रहे हैं आपका? शाखा वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं ना, कुछ तो उसमें से फर्जी हैं, वो विरोध करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे वो विरोध, उनकी तो है जी। नहीं, मेरे पास एविडेंस है ना, मेरे पास एविडेंस है और ये लड़ाई जो है कोर्ट तक भी मैं लड़ूंगा। जांच बैठगी ना, अभी मैं आपको एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे इन शिकायतों पर जांच विभाग के द्वारा बैठा दी गई है। बस मैं मीडिया में इसलिए आया हूं कि इन पर खानापूर्ति ना हो, इन एविडेंसों की पूरी सत्यता की जांच हो, चाहे इसके लिए SIT का ही गठन क्यों ना हो स्पेशल। इसमें देखो आरोप की बात तो बहुत छोटी है, हो सकता है कि कल वो मेरे विरुद्ध जो है किसी न्यायालय में या किसी थाने में मुकदमा भी कायम करा दें कि भाई ये जो है इन टीचरों को ब्लैकमेल करना कर रहे हैं, और विभाग को वो भ्रमित करने का कार्य हमेशा से करते आए हैं, चाहे वो उनकी अपनी पदोन्नति का मामला हो। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय में झूठे एफिडेविट एक विद्यालय की अध्यापिका के द्वारा दिए गए हैं, और वो एविडेंस, क्योंकि मैं भी उसमें पार्टी था, काउंटर के माध्यम से मुझे भी मिले हैं, उस रिट के माध्यम से, सॉरी, और उसके खिलाफ भी जो हमारे प्रबंध संचालक थे उन्होंने उन्हें चिट्ठी भी दी थी, लेकिन आज तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, और उन्हें इसलिए हटवा दिया गया क्योंकि ये सब पोल पट्टियाँ खुलने वाली थी। जो 3 प्रमोशन का अनुमोदन मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया था, तो तत्कालिक जो प्रबंध संचालक थे उनके द्वारा जो, क्योंकि प्रमोशन के बाद में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होती है, उस वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पर तत्कालिक प्रबंध संचालक के द्वारा रोक लगा दी गई थी, और जो कि मेरे द्वारा सूचना के अधिकार में भी लिया गया। आज आपने पत्रकार वार्ता करी है, जिस तरह से आपने प्रिंसिपल पर रोक लगाया, क्या मांग है सरकार से? मेरी बिल्कुल मांग ये है कि ये जो KLDAV इंटर कॉलेज है जो कि फर्जी नियुक्तियों का गढ़ बन चुका है, जो जिसमें प्रधानाचार्य खुद, जिनकी पदोन्नति बिल्कुल गलत हुई है, मानकों के विरोध में हुई है, जिनके द्वारा एक एक वर्ष में जो दो दो डिग्री ली गई हैं, उनकी SIT की शिकायत भी किसी के द्वारा पूर्व में की गई थी लेकिन 2018 में, और आज तक उस पर SIT पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी विद्यालय की के लिए जो है एक स्पेशल SIT का गठन हो, और इसके लिए अगर मुझे रिट लगाने की आवश्यकता पड़ी तो रिट भी लगाऊं। अच्छा, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास इस तरह के कुछ सबूत हैं कि जो फर्जी नियुक्ति हुई है वहाँ पर? मेरे पास में सब सबूत हैं, और मैं माननीय न्यायालय में भी इन सबूतों को पेश करूंगा। विभाग को भेजे? विभाग को भी भेजे हैं मैंने, विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो न्यायालय की शरण में जरूर जाऊंगा। क्या धरना पर भी बैठने की? धरना कल मेरा जो है 10 बजे से सुबह और शाम के 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि प्रधानाचार्य जो है हमारे जो विद्यालय के शिक्षक हैं जिनके द्वारा मेरे विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया है, वो कल जो है मुझे धरना प्रदर्शन करने से रोकेंगे भी, ऐसी मुझे सूचना मिली है। अच्छा, आपके और धरने, आपके धरने से बच्चों का पढ़ाई पर नुकसान? इसीलिए तो मैंने जो है 3 दिन की बजाय उसे 1 दिन का किया, और वो भी रविवार को किया है। रविवार को ना तो कोई वहाँ पर परीक्षा है, ना बच्चों की परीक्षा है, ना किसी आयोग की परीक्षा है, और शांतिपूर्ण तरीके से मुझे वहाँ पर बैठना है। मैंने जो राय साहब कन्हैया लाल जी थे जिनके द्वारा अरबों की संपत्ति इस विद्यालय को दान दी गई, जिससे कि हमारे जो इस आसपास के गरीब बच्चे हैं वो इस विद्यालय में पढ़ सकें, इस शिक्षा की नगरी का जो है नाम रोशन हो चुका है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर, मेरा जो प्रोग्राम था वो यही था, राय साहब कन्हैया लाल जी की जो मूर्ति है उस पर मेरा बैठना था, और उसे मुझे साफ भी करना था वहाँ पर।
अच्छा वो धोना था, धोना पानी करता मैनेजमेंट। इसमें क्या था कि पहले इसके में मैनेजर साहब थे और मैंने उन्हें भी बहुत कहा, लेकिन बहुत अपने प्रत्यावेदन दिए लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर विभाग को कहा जब इनके मैनेजमेंट यहाँ पर भंग होगी, प्रबंध संचालक जो कि राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी बात को सुनते हुए उन्होंने सही तरीके से वरिष्ठता सूची जारी की और मेरी पदोन्नति की पत्रावली भी भेज दी थी मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ। और इन जो प्रधानाचार्य, इन्होंने विद्यालय की एक महिला अध्यापिका हैं छवि अग्रवाल, उनको जो है मेरे विरुद्ध जो न्यायालय में भेज दिया, और जबकि उनकी अहर्ता भी नहीं थी उस समय तक। 2018-17 में पद रिक्त हुआ पॉलिटिकल साइंस का, मैं 12 में अहर था और ये जो 2018 में इन्होंने अहर्ता पूर्ण की। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल मनोज कुमार सैनी है। अच्छा। और एक्ट है, एक्ट वो कहते हैं कि एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है, मेरी जेब में पड़े हुए हैं, मैं एक्ट को मानता नहीं दूसरों के लिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वैसे तो? ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। हाँ। कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, मैं हूँ भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक सच्चा कार्यकर्ता। मेरे द्वारा जो जिला पंचायत का मेरी पत्नी के द्वारा चुनाव भी लड़ा गया दरियापुर दयालपुर सीट से, और इस वर्तमान में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और चूंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है इसलिए मैं इसे व्यक्तिगत स्तर पर लड़ रहा हूँ। और वो तो कांग्रेस के हैं, उन्होंने हरीश रावत का अपने वेंकट हॉल में भी जो वो किया था, फूल मालाओं से स्वागत किया था। अभी जो पुरानी पेंशन में उन्होंने हरकृष्ण सिंह रावत का पूरा फूल मालाओं से स्वागत किया था। भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। उन्होंने यहाँ के जो चुनाव में अपने विधानसभा के चुनाव में हमारे जो माननीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक प्रदीप बत्रा जी, उनके खिलाफ भी पूरा काम किया। मेरे पास एविडेंस है, मैंने अपनी पार्टी के जो उच्च स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मेरे पास सबूत है उनके, मैंने भेजे थे उस समय भी।